मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये आज का हमारा लास्ट व्लॉग होने वाला है जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तो हमारे साथ है कोमल। तो मतलब अभी जैसे कि आपका भाई और कोमल दोनों स्कूल से आ चुके हैं, और अभी जैसे कि हमारा फाइनली जाके खाना भी आ चुका है। तो अभी खाना बने हैं साग चावल और ये चटनी है। मतलब चटनी का कॉम्बिनेशन ना बहुत खतरनाक होता है, आप सभी कभी ट्राई करना। तो हाँ, अभी भूख लग रही है थोड़ी सी, खा के मैं मिलता हूँ। और आज आपको मुझे बताने के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, तो चलो जल्दी से खाते हैं। सो गाइस, तो अभी फाइनली जैसे कि जाके आपके भाई ने अपना खाना भी ख़त्म कर दिया, और मतलब आज खाना बहुत टेस्टी बना था, सच बता रहा हूँ। मेरे मम्मा देख रहे हैं, तो मुझे बाद में कुछ मत बोलना कि मैंने कुछ बोला था, ठीक है। एनीवेज, तो मतलब गाइस, अभी जैसे कि मैं आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी जैसे कि फाइनली जाके हमारा 30 व्लॉग्स का चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपके भाई ने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया और आपको 30 तक 30 वीडियोस प्रोवाइड की, और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का रहा है। इसी ने मतलब बहुत मेहनत की है ना। मजाक करूँगा, सारी मेहनत मैंने की है। तो मतलब हम सबने मिल के आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया होगा, होप करता हूँ कि 30 में। तो गाइज, मुझे आप कमेंट करके बताना कि मुझे आगे भी ऐसे डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए कि यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। तो आप सबके कमेंट के ऊपर डिपेंड है। वैसे इन 30 में ना बहुत से लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मतलब बहुत से लोगों ने हेट भी किया। मतलब हेट करने वाले तो हेट करते ही रहेंगे, उनके उन्हें मैं देखता भी नहीं हूँ। तो गाइस, अभी जैसे कि आपका भाई जा रहा है पढ़ने, और इकोनॉमिक्स में हमारा मतलब सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसका भी काम तमाम कर देंगे। तो सो गाइस, तो अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 6:30 बज गए, और आपके भाई ने अभी पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई कर ली। मतलब 1-2 घंटे हम अच्छे से बैठे थे, अच्छे से पढ़ाई कर ली। तो गाइस, आज जैसे कि वीरवार, और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है वो जानती है कि हम हर वीरवार को जाते हैं साईं बाबा जी के मंदिर, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हम ऐसे ही तरक्की करते रहे और धीरे धीरे करके ग्रो करते रहे। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखो। और अभी जैसे कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया है, राहिल को, तो वो भी आने वाला है, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि गाइस एक बंदे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हाँ, वो आ गए, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, तो अभी फाइनली जैसे कि हमारा भाई भी आ चुका है, राहिल। तो अभी हमने मतलब दर्शन करके आ चुके हैं, और मतलब बहुत अच्छे दर्शन हो गए। राहिल भाई भी हमारा जिम जिम जा रहा है धीरे धीरे। तो चलो, अब हमने दर्शन कर लिए, अब चलते हैं घर, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो गाइस, तो अभी फाइनली जैसे कि हम दर्शन करके भी आ चुके हैं, तो अभी जैसे कि हमारा फर्स्ट काम यही रहने वाला है कि हम अपने धंधों को अंदर खड़ा कर देते, क्योंकि इसे हम हर बार खड़ा करना भूल जाते हैं, ये खड़ी हुई है। तो चलो, पहले चल के इसे खड़ा करते हैं। तो गाइस, तो अभी फाइनली जैसे कि हमने अपनी धंधों को खड़ा कर दिया, और मतलब इसे बाहर खड़ा करो ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और इसके टायर की हवा भी निकल जाती है, और पता नहीं इसके चेन से मुझे कैसी आवाज़ आ रही है, अटकती है बहुत इसकी चेन। मतलब मेरी सेकंड साइकिल है, इससे पहले मेरे पास बड़ी छोटी सी साइकिल थी, वो मेरा चलाने का मन भी नहीं करता था इतनी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी कोमल की साइकिल जितनी थी, और ये मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसे, घर वालों से बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बाद मिली थी। और मतलब मुझे इसके पहले जब जो मेरी साइकिल थी ना, उसमें गियर नहीं थे, इसमें गियर भी है गाइस। गियर वाली साइकिल लेना मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर आपके पास गियर वाली साइकिल है तो आपके पास बहुत बढ़िया वाली साइकिल है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी भी वो यूटिलिटी ख़त्म होती जा रही है। सो गाइस, तो अभी फाइनल जैसे कि रात के बज रहे हैं 9, और अभी हमारा खाना भी आ चुका है। आज खाने में मैंने रोटी और गोभी की सब्ज़ी और ये चटनी है। मतलब गोभी की सब्ज़ी में तो मेरा दिल है, मतलब कभी भी मना नहीं कर सकता मैं, और फ्राइड वाली गोभी तो मतलब कभी नहीं। और अभी एक बेकार चीज़ भी होगी हमारे साथ गाइस, मैं ना हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहा था, और गलती से मेरा हाथ पर से बैलेंस फिसलो और सर के बल मैं गिर गया। बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और रास्ता ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर घर वालों ने सुन लिया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है कि तू क्यों करता है ये सब चीज़ें जब तुझे मना किया। मुझे घर से स्ट्रिक्टली मतलब मना किया हुआ है कि तुझे ये स्टंट्स घर पर बिल्कुल नहीं करने, और करने तो कहीं घास पर जाके करना, और मम्मा देख लेते तो मतलब मुझे गंदी वाली डांट पड़ती है। तो मैं थोड़ा छुपा के करता हूँ, बचा के किसी तरह से। तो हाँ, भूख लगी है थोड़ी, खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, तो अभी फाइनली जैसे कि हमने खाना भी खा लिया, और कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मतलब अभी जैसे कि इस व्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया, क्योंकि हम अब जाने वाले हैं सोने, और वीडियो की एडिटिंग करने में एज यूजुअल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब धीरे धीरे करके आपका भाई भी प्रो बनता जा रहा है, पीरो पीरो।
अल्टीमेट पीरो, ठीक है ना, समझ के हो गए आप। तो मतलब गाइज होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और आज की वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल थी क्योंकि गाइज मैं अपने लाइफ दिखाता हूँ आपको, मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ और मैं जहाँ पे आता जाता हूँ छोटी मोटी चीज़ें पहले दिखाता था, फिर मुझे बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे कि भाई डेली ब्लॉगिंग कर, तू बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे तेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और इसी तरह से हमने एक डेली ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर दिया और हमारे 30 डेज 30 ब्लॉग्स का चैलेंज भी आज कंप्लीट हो चुका है। आप सबकी बदौलत, आप सब इतना प्यार नहीं देते तो मैं डेली ब्लॉगिंग कभी नहीं कर पाता। अगर मेरे मैक्सिमम 50 व्यूज़ भी एवरेज आते हैं ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कम से कम 50 लोग तो मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मुझे पता है कि बात से कुछ नहीं हो जाता। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, होप करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आप सबको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस कल हम जाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जगह पे और सुबह सुबह ही निकलेंगे, तो वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।